छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं भी स्कूल्स में खुलने जा रही हैं। अखनूर में पुलिस ने, आपको बता दें, आज से शुरू होंगी छठी से आठवीं तक की क्लासेस। 3 महीने बाद छठी से आठवीं तक की क्लासेस खोली जाएंगी। बच्चों को माता पिता से अनुमति लेने के लिए कहा गया। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 16 जुलाई से 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस भी शुरू हुई थी। 3 घंटे बच्चों की क्लासेस लगेंगी। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए क्लासेस का जो समय है वो निर्धारित किया गया है छठी से लेकर आठवीं तक के बच्चों के लिए। छात्रों को कोई ब्रेक इस दौरान नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा कि छठी से लेकर आठवीं तक की जो कक्षाएं होंगी वो 3 घंटे चलेंगी और 3 घंटे के इस समय में बच्चों को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कोशिश यही रहेगी कि बच्चे समय पर पढ़ाई करके अपने घर समय पर चले जाएं और ज्यादा वक्त आपस में बिताने का या डिस्टेंसिंग वो तोड़े या इस तरह की कोई कंडीशन बने, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि बच्चों को 3 घंटे ही स्कूल में रुकना है और 3 घंटे में उनकी सारी क्लासेस लगेंगी। इसके अलावा बच्चों को कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। तो 16 जुलाई से 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस शुरू हुई थी हरियाणा में और अब जो है आज से छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं स्कूलों में लगने जा रही हैं। लेकिन माता पिता की अनुमति अनिवार्य। इसके साथ ही बच्चों को अपनी पानी की बोतल और साथ में सैनिटाइजर, मुंह पर मास्क, ये सब लाने के लिए कहा गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं हिसार से हमारे साथ और रमाकांत जुड़े हैं हमारे साथ झज्जर से। सबसे पहले अनूप का रुख करेंगे। अनूप, आज स्कूलों में छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं भी लगने वाली हैं। एक बड़ी चुनौती स्कूल प्रबंधन के लिए रह सकती है क्योंकि 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस अब तक लग रही थी और अब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाना और थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्कूल प्रबंधन के लिए, लेकिन कराना जरूरी। अनूप। हाँ बिल्कुल नंदनी जी, जिस प्रकार से 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई गई थी, सप्ताह भर बाद अब मिडिल स्कूल भी लगाने शुरू कर दिए हैं। छठी से आठवीं तक की कक्षाएं आज शुरू कर दी गई है और स्कूल प्रबंधन के सामने काफी सारी चुनौतियां हो सकती है वह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, क्योंकि बच्चों को बैठाने की व्यवस्था हम यहाँ पर स्कूल में हम देख रहे हैं कि सुबह से खुद प्रिंसिपल यहाँ गेट पर खड़े हैं और उन्होंने सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर कर्मचारी अपने को रखा हुआ है और जो भी बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले उनको उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। साथ में जो बच्चे मास्क लेकर के आए हैं उनको मास्क के साथ एंट्री है और जो विदाउट मास्क आए हैं कहीं कहीं उनको स्कूल की तरफ से मास्क भी दिए जा रहे हैं। और खुद प्रिंसिपल हमारे साथ है विनोद कुमार, उनसे भी जान लेते हैं। सर, पहले 9वीं से 12वीं और अब 6ठी से 8वीं तक बच्चों की क्लासें लग रही है, क्या क्या चुनौतियां आप लोगों के सामने? जी हाँ, इसके संबंध में कल एक आवश्यक मीटिंग ली गई थी स्टाफ की और उनको ये बता दिया गया था कि कल से 6 से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के स्कूल खोलेंगे और उससे पहले हमने सारे कमरों की सफाई अच्छे ढंग से करवाई और उसके बाद उनको सैनिटाइज करवाया और बच्चों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनमें ये बोल दिया गया था कि कल से सारे बच्चे 50% की संख्या में आएंगे और 50% बच्चे आने के बाद हर बच्चे के पास मास्क होगा और अपने पानी की बोतल साथ में लेके आएंगे, विद्यालय में खाना नहीं बनेगा और इसके अलावा जितने भी अन्य कोरोना से संबंधित गाइडलाइन थी सारे बच्चों को बता दी गई और आप खुद भी देख रहे हैं सारे बच्चे जो बगैर विदाउट मास्क के उन बच्चों को वापस भेजा जा रहा है और इस प्रकार हमने लगभग सारी जितने भी चुनौतियां थी उनसे निपटने की पूरी पूरी कोशिश की। समय सारणी क्या रहेगी? समय सारणी अध्यापकों के लिए 8:30 से 12:30 और बच्चों के लिए 9 से 12 बजे। जी देखिए नंदनी जी, बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो मिडिल स्कूल यहाँ पर लगे हैं उसको लेकर के पुख्ता प्रबंध स्कूल प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जी अनुपा बनी रही हमारे साथ। एक बार जरा झज्जर को लेकर भी स्कूलों में किस तरह की तैयारी देखी जा रही है ये हम रमाकांत से जान लेते हैं। रमाकांत, आज छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं भी स्कूल्स में लगने वाली हैं, लगने जा रही हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां?
जी मैं आपको बता दूं कि झज्जर के सरकारी स्कूल में हम लोग इस समय खड़े हैं और जैसे 16 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं 9 से 12 तक के, और अब लगातार कहीं ना कहीं जो 6 से 8 के स्कूल खोल दिए गए लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और मैं झज्जर के उपायुक्त की बात करूं तो वो लगातार स्कूलों के दौरा कर रहे थे। इस स्कूल में भी उपायुक्त आए थे और जो बच्चों का चेहरे पर मास्क है या नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, वो सभी का कहीं ना कहीं पुनिया साहब जो डीसी हैं उन्होंने पूरी तरह से जायजा लिया और पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां यहां पर मिली। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर हर तरह की सुविधाएं प्रिंसिपल द्वारा की गई है, चेहरे पर बच्चों के मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, साथ ही ये पूरे एहतियात दिए गए हैं कि जिस भी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं होंगे उसे क्लास में एंट्री नहीं की जाएगी। आपको मैं बातें कहता हूं, यहां पर जो अध्यापिका है जो पढ़ा रही है उनके चेहरे पर मास्क है और जो बच्चे हैं उनके सभी के चेहरे पर मास्क है, बिना मास्क इन लोगों को एंट्री नहीं की जा रही, पानी की बॉटल लिए घर से लेके आएंगे। और साथ ही जो 9 से 12 की जो क्लासेस हैं उसमें इन लोगों को लंच नहीं किया जाएगा या इनको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। टीचर हमारे साथ हैं। मैम लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है उसका एहतियात पूरी स्कूल में बरता जा रहा है। हाँ बरता जा रहा है। जो बच्चे अपनी बोतल लेके आते हैं और सभी मास्क लेके आते हैं और टीचर भी। हाँ और बिना माँ बाप की अनुमति के शायद ये लोग ना सर, इनकी एप्लीकेशन इनके पेरेंट्स की अनुमति से आ रही है। कुछ बच्चे हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है? आप लोगों को काफी दिन हो गए हैं, 3 महीने के बाद आप स्कूल लौटे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कितना अंतर है? सर ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता, ऑफलाइन में तो बहुत कुछ समझ में भी आता है, सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। जी जी जी। क्या नाम है? खुशी। जी जी। कैसा लग रहा है क्लास में आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक है। सभी बच्चे हैं काफी 3 महीने बाद ये स्कूल में लौटे हैं, स्कूल प्रांगण में आकर काफी खुश भी नजर आए। कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेज है उसमें दिन रात का अंतर है, सभी क्लास में चेहरे पर बच्चों के मास्क है और टीचर हैं बिना मास्क उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। गेट मेन गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है। स्कूल प्रिंसिपल की बात माने तो स्कूल प्रिंसिपल ने साफ तौर पर कहा है हमारे तरह हर रोज चैलेंज है जैसे जैसे। और मैं आपको बता दूं कि झज्जर में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चों की गैदरिंग है। पूरे हरियाणा की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, 50% बुलाने हैं तो यानी 3 लाख से ज्यादा आने चाहिए। अगर पूरे ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो 49% ही बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन झज्जर का जो आंकड़ा है वो 70% है, यानी झज्जर के जो बच्चे हैं वो 70% स्कूलों में पहुंचे। तो ओवरऑल और इस स्कूल की एक खासियत और भी है नंदिनी, यहां पर 4th क्लास के साथ साथ स्कूल प्रिंसिपल हो, स्कूल टीचर्स हो, वो संडे को भी आकर यहां साफ सफाई करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद स्कूल प्रांगण को पूरी तरह सैनिटाइज करके ही बच्चों को बुलाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको पता है कि पल पल अपडेट करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि झज्जर में पहले भी कोरोना के स्कूलों में केस देखे गए थे लेकिन 16 से और आज 23 तारीख यानी तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, झज्जर में कोई भी ऐसा स्कूल ने कोई भी कोरोना की जो गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दी गई थी, प्रशासन द्वारा दी गई थी, वो बिल्कुल नहीं तोड़ी गई है। सरकार हो या प्रशासन हो पूरी तरह बारीकी से कि स्कूल प्रबंधन जो है वो ध्यान रख रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। बच्चे कोरोना से संक्रमित नहीं होने चाहिए, ये जिम्मेदारी स्कूल संचालकों की है। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए रमाकांत। अनूप अगर आपके साथ प्रिंसिपल मौजूद है इस वक्त तो जरा मेरा एक सवाल उनसे है कि किस तरह की चुनौतियां वो फेस करते हैं, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता होगा, बच्चों से प्रोटोकॉल फॉलो करवाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, तो कितनी चुनौतियां उनके सामने होती हैं? देखिए हमने प्रिंसिपल से बात की थी, अभी वो क्लासेस लेने के लिए चले गए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे थे उनको ज्यादा बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि वो बच्चे काफी समझदार रहते हैं, लेकिन जो मिडिल 6वीं से 8वीं तक के जो स्कूल लगाए गए हैं उन बच्चों को जरूर 2-4 बार बताने की जरूरत पड़ती है कि बच्चों को मास्क लगा करके स्कूल में आना चाहिए। लेकिन इससे नीचे अगर प्राइमरी तक के स्कूल भी लगने शुरू हो जाएंगे तब ज्यादा दिक्कतें प्रशासन के सामने आ सकती हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको मास्क लगाए रखना भी काफी दिक्कतें होती है, लेकिन फिलहाल ऐसी दिक्कतें सामने नहीं आ रही है। जी नंदन जी जी बिल्कुल। अगर बात करें रमाकांत, आप भी इस वक्त जिस स्कूल में हैं वहां पर अभी मिडिल क्लासेस के बच्चे भी पहुंचे हैं और जो हायर सेकेंडरी क्लासेस लग रही थी वो भी, उनके बच्चे भी मौजूद हैं। तो आज से जो है ये बड़ा बदलाव हुआ है कि अब 6वीं से 8वीं के बच्चे भी आएंगे, किस तरीके की चुनौतियां या मैं कहूंगी किस तरीके से बदलाव देखने को मिला, क्योंकि 1 हफ्ते पहले सीनियर क्लासेस के बच्चे आ रहे थे, अब सीनियर और
मैं कहूंगी उनसे जो जूनियर है, बिल्कुल जूनियर तो भी नहीं आ रहे लेकिन उनसे जो जूनियर है वो बच्चे भी आ रहे हैं, तो कैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराने के लिए, प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी स्ट्रिक्टनेस से हो, किस तरीके से जो है इसे किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि स्कूल लगने का समय सुबह 9 बजे से था, सुबह 8 बजे ही प्रिंसिपल और जो अध्यापक थे वो पूरी तरह मुस्तैदी के साथ गेट मेन गेट पर खड़े हो गए, एक एक बच्चे को मॉनिटरिंग कर रहे थे। पहले बच्चों को सैनिटाइज किया गया, पहले चेक किया गया कि हर बच्चे के चेहरे पर मास्क है या नहीं है, उसके बाद हर बच्चे को, अगर जिसके चेहरे पर मास्क है वो ठीक है, अगर जो बिना मास्क घर से आया है पहले तो उसे समझाया गया कि बेटा मास्क बहुत जरूरी है, और उसके बाद में स्कूल की तरफ से उन्हें मास्क दे दिए गए और उसके बाद उस स्कूल प्रांगण में अंदर उनको एंट्री दे दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल हो, अध्यापक हो, वो पूरी तरह से बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे रहे। उन्होंने जब हमारी बात हुई थी, आपको एक चीज और भी दिखा दूं कि देखें आप, ये मास्क है, ये खुद टीचर है कि क्लास क्लास में जाकर ये बता रहे हैं कि मास्क का महत्व तो क्या है, अगर इस महामारी से बचना है तो ये मास्क बहुत जरूरी है। जरा जो बच्चे चेहरे पर मास्क लगा के नहीं आ रहे तो उनको स्कूल प्रांगण की तरफ से मास्क दी। जी सर, मोटिवेट करते हैं पूरा, जो गाइडलाइन है कोविड-19 की उसका पूरा गाय वो पहले 9 से 12 तक के बच्चे आते थे, अब उनसे जूनियर बच्चे आ रहे तो जिम्मेवारी अहम हो जाती है जनाब। जी, जी जी जी, हमारी जिम्मेवारी जो भी सरकार की गाइडलाइन है पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा स्टाफ, पूरा हमारे प्रिंसिपल सर पूरा दिन खड़े रहते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ रहे किसी तरह से और ये पढ़ाई करे। जी बिल्कुल, सावधानी में ही बता दें, सावधानी में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टीचर्स हैं खुद मास्क लेकर, इनका समय है पढ़ाने का लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने हाथों में मास्क लेकर स्कूलों में भी क्लासों में भी ये बता रहे हैं कि ये मास्क क्यों जरूरी है आखिर में, और चेहरे पर मास्क नहीं होता है तो तुरंत से वो स्टूडेंट को बोल देते हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं, उसके बाद ही मैं आपकी कोई बात का जवाब दूंगी। तो इस तरह के इन्होंने एक अलग अपना प्लेटफॉर्म सेट किया है, उन्होंने टीचर्स ने एक चीज कह दी है कि अगर चेहरे पर मास्क नहीं होगा तो बच्चों का जो सवाल है उसका जवाब भी टीचर द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह की स्ट्रिक्टनेस जो है अपनाई जा रही है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। स्कूल्स तो वैसे भी डिसिप्लिन की ही जगह होती है और ऐसे में अगर अनूप कोरोना को लेकर स्कूल में इस तरीके से अगर अवेयर किया जा रहा है और इतनी स्ट्रिक्टनेस, तो जाहिर तौर पर बच्चे जो है अपने घर तक भी जरूर ये डिसिप्लिन पहुंचाते होंगे, क्योंकि स्कूल से जो उन्हें पढ़ाई या स्कूल से जो शिक्षा मिलती है और कोविड को लेकर, कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर बच्चों को इस तरीके से सिखाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये भी एक बड़े फायदे की बात है कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस जगाई जा रही है कोरोना को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस से ही कोविड से बचा जा सकता है। बिल्कुल नंदनी जी, जो स्कूल में बातें बताई जाती है, कई बार ये जो छोटे बच्चे हैं वो होते हैं वो जो अपने मम्मी पापा की बात माने ना माने लेकिन टीचर का कहना जरूर मानते हैं, और जिस प्रकार से टीचर उनको बताता है कि कोरोना में किस प्रकार से वैश्विक महामारी है और इसमें आपको मास्क लगाना है, तो वो घर जाकर के अपनी मम्मी पापा तक बोलते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि बच्चे जो टीचर बताता है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए अनूप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमाकांत, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जब स्कूल्स जो है इस तरीके से फुल फ्लेज खुल रहे हैं, धीरे धीरे जो है अब बच्चों की एजुकेशन को ट्रैक पर लाने की कवायद की जा रही है, अब बच्चों में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला, कितनी खुशी या कितना उत्साह, क्योंकि लंबे वक्त से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों के स्कूल जो है इस तरीके से बाधित हुए हों, लेकिन अभी कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित हुई है, तो अब जब हरियाणा में स्कूल्स लग रहे हैं, अब ऐसे में बच्चों की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस मिलते हुए? जी मैं, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी चल रही थी लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम में पहुंचे, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मिले, साथ ही जो जो आर्गुमेंट होते हैं टीचर से वो हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, ऑनलाइन क्लास में वो चीजें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, हालांकि हमारे जो टीचर है वो हमें ज्यादा बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और 3 महीने के बाद जैसे ही स्कूल खुले हैं हमें स्कूल में आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, और कोरोना की गाइडलाइन के बारे में जब हरियाणा न्यूज ने उन बच्चों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये नैतिक जिम्मेवारी हमारी भी है कि हमारी पढ़ाई ना थके, इसलिए हमें कोरोना की जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा है वो हमें पूरी तरह से पालन करनी चाहिए। हम लोग जब घर से निकलते हैं तब भी हम चेहरे पर मास्क लगा के रख रहे थे, तो अब अगर हम 9 से 12 यहां आ रहे हैं तो हमें चेहरे पर मास्क लगाने से हमें कोई भी एतराज नहीं है, और हमें जो भी टीचर गाइडलाइन देंगे, हमें जो सरकार गाइडलाइन देती है उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा है।